कांग्रेस मुख्यालय में जुटेंगे नेता। कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, पीएम आवास का करेंगे घेराव। सूरत में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, सीएम भूपेंद्र पटेल भी हुए शामिल। कॉमनवेल्थ में 4 टीमों में होगा मुकाबला, भारत इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में होगी शामिल। कॉमनवेल्थ गेम में सुधीर ने हासिल किया गोल्ड, पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बने सुधीर। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। आगामी त्योहार को देखते हुए बदायूं जनपद में शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने पुलिसकर्मियों के साथ साथ धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें मुहर्रम को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुहर्रम का त्यौहार सभी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए और शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए सभी धर्मगुरुओं पुलिस का सहयोग करें। बुलंदशहर के अनूप शहर में गांव जरौली बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरना प्रदर्शन खत्म कराने पहुंचे एसडीओ रविंद्र कुमार को भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बंधक बनाकर बीच में बैठा लिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सीओ अनूप शहर कोतवाली प्रभारी और एसडीएम गजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन भी दिया। धरना प्रदर्शन क्या है, बिजली घर पे क्या है आपकी मांग है? मांगे मीटरों में धांधलेबाज जी, बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, लाइन लाइन टूटी पड़ी है। और दूसरी बात ये है कि ये कलेक्शन नहीं करके देते हैं। आम आदमी को 50-50 सुबह चक्कर कटवाते हैं, एसडीओ साहब के काट लो, जेई साहब के काट लो, दो दो कुएं लगवा दिए, ट्यूबवेल लगवा दिए, लेकिन लाइन खींच के नहीं देते, इसलिए धरना। कानपुर में काली मूवी के विवादित पोस्टर के बाद अब द वीक पत्रिका में भगवान शंकर और माता काली की अश्लील तस्वीर छापने का मामला सामने आया है। हिंदूवादी नेता प्रकाश शर्मा ने पत्रिका पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दे दिए। द वीक मैगजीन में निकले कुछ फोटोग्राफ्स को यहाँ पे अभी मिलने जो लोग आए थे उन लोगों ने हमें दिखाया और उन लोगों ने कुछ कंटेंट भी हमें दिए हैं, साथ में कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं और एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि ये फोटोग्राफ एकदम से अनसीन है और इससे भावनाओं को आहत किया गया है। इस तरह के फोटोग्राफ्स बिल्कुल नहीं निकाले जाने चाहिए। हमने इसे संज्ञान में लिया है और हमने थाना कोतवाली को ये रेफर किया है कि आवश्यक विधिक कार्यवाही इस पर की जाए और गुण दोष के आधार पर इसकी विवेचना की जाए। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एमपीएमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को बड़ा झटका मिला है। गैंगस्टर मामले में रिहा करने पर अफजाल अंसारी का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। सन 2007 में मुख्तार अंसारी के साथ ही अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक तीनों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था और जिसकी विवेचना करने के बाद सन 2010 में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया था, परंतु अफजाल अंसारी द्वारा उस आरोप पत्र को
के अनुसार चार्ज बनने से अपने आप उसको चुनौती दिया था और एक एप्लीकेशन देते हुए कहा था कि मेरे ऊपर मुझको उन्मोचित कर दिया जाए, मेरे ऊपर ये आरोप नहीं बनता है। परंतु आज माननीय न्यायालय ने उस मामले को अति प्राचीन देखते हुए आज उस पर बहस सुन करके उस पर फैसला दिया, उन्हें आदेश कर दिया कि अगली तिथि 20/8 को उपस्थित होकर न्यायालय में आरोप निश्चित कराए। बरेली के थाना इज्जत नगर गांव अब्दुल्लापुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 10 से 12 बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर 20 मिनट में करीब 1,00,000 की लूट को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि ये घटना देर रात की है, जब बदमाश घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए और परिजनों को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। जबकि इस डकैती से गाँव में दहशत का माहौल है, तो वही अब देखना यह है कि आखिर कब तक प्रशासन इस मामले का खुलासा करता है। अचानक में यहाँ फ्री तो मुझे लगा सामने जो है 10-12 लोग खड़े हुए, तो ऐसा नहीं लगता सपना टाइप का आया। तो मुझे तो चीखने की आवाज़ मैंने करने की कोशिश करी लेकिन आवाज़ चीखने निकली नहीं, तब तक ये उड़ गई। तो मेरे से बोले कि हम तुम्हें टारगेट बनाने नहीं आए, हम रामपाल को टारगेट बनाने आए हैं, है ना, हमें तुमसे जो है दारू के पैसे चाहिए, वो हमें पैसे दे दो, हम जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि पीछे मेरी पैंट टंगी है, उसमें मुझे पैसे निकालने नहीं। रात में समथिंग 2:30 बजे 2:15 बजे 10 से 12 लोग मैं घर पे आ गए और हम लोग को एकदम से आहट हुई कि कोई है। फिर हम लोग ने आवाज़ निकालने की कोशिश करी तो उन लोगों ने हम लोग को तमंचा वगैरह दिखा दिया कि आप हिलो डिलो ना, हम थोड़ा बहुत कैश लेंगे और चले जाएंगे। फिर हम लोगों ने मना करा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो बोले कि हम तुम्हें टारगेट करने नहीं आए हैं, हमें थोड़ा बहुत दारू और के पैसे चाहिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। टाउन अब्दुल्लापुर माफी थाना क्षेत्र इज्जत नगर में एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि 3/4 की रात्रि को लगभग 2:30 बजे 8-10 अज्ञात बदमाश इनके घर पे आए और घर के पे जो दरवाज़ा लगा हुआ था उसके जाली काट कर और दरवाजे की जो छिटकिनी थी उसको हटा कर इनके घर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद में इनके घर से लगभग 10,000 रुपये और एक टूटी हुई सोने की चेन लूट ली और इनके पत्नी के द्वारा प्रतिरोध करने पर उनके शरीर पे उनके सर पे वार किया गया जिससे उनकी पत्नी को चोटें आई हैं। और जब ये बदमाश घर से जा रहे थे तो इनके द्वारा बताया गया कि उस बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई है। इस संबंध में थाना इज्जत नगर पर 395/397 FPC का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें लगा दी गई है और जल्द ही घटना का सफल आउट कर लिया जाएगा। कानपुर में पूरे शहर भर में मुहर्रम जुलूस और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन ने हर चौराहे पर CCTV कैमरे और ड्रोन से सभी जुलूसों का लगातार अपडेट लिया जा रहा है। साथ ही PDZ तथा फिक्स कैमरे भी सभी जगह लगाए गए हैं। इसके अलावा साथ ही सभी कैमरों का एक मुख्य कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जिसमें बराबर निगरानी की जा रही है। मुहर्रम के सभी जुलूसों के लिए हम लोगों ने पर्याप्त पुलिस बल का आवंटन किया है। हमने CCTV कैमरे, PTZ कैमरे सभी महत्वपूर्ण चौराहों पे, रास्ते पे लगाए हैं और जुलूस के सभी मार्ग CCTV कैमरे में कैप्चर्ड हैं। जो हमारा सेंट्रल कंट्रोल रूम है वहाँ पे सभी जुलूसों को देखा जा रहा है, साथ ही ड्रोन जो है सभी जुलूसों में व्यवहित किए जा रहे हैं। और जो भी हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो कि हमने सभी आयोजकों से कहा है कि आप जुलूस निकाल रहे हो तो आप 5% कम से कम अपने जुलूस के कुल हिस्से का वॉलंटियर फोर्स के रूप में यूज करोगे, इसका कड़ाई से अनुपालन हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उन निर्णयों के अनुसार उनसे हम बॉन्ड फिलअप करा रहे हैं। जनपद बदायूं से कचला घाट से गंगा जल भर कर नाश्ते गाते आ रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी। आपको बता दें कि थाना आलापुर क्षेत्र के ग्राम संजरपुर के पास बदायूं जलालाबाद की प्राइवेट बस ने कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी जिसमें ट्रैक्टर पर लगा साउंड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कलाकार तो बाल बाल बच गए लेकिन प्राइवेट बस में आग लग गई।
बरेली के नवाबगंज जो मोहल्ला के नई बस्ती में पति पत्नी के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गुस्साई पत्नी ने पति पर तेजाब से मिर्च मिलाकर ऊपर फेंक दिया, जिससे पति बुरी तरह से झुलस गया। पति के चीखने पर परिवार के अन्य लोगों ने आकर उसे बचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति को CHC नवाबगंज में भर्ती कराया, जहां पर हालत गंभीर होने पर बरेली जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी की पर कार्यवाही शुरू कर दी है। फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए इटावा बरेली हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे SDM सदर और CO मामले का जैसे तैसे शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम TV।